संविधान की रक्षा करने के लिए मीडिया की आवश्यकता ये देश में है, एक नहीं बहुत सारे मीडिया की आवश्यकता है, लेकिन आज की ये जो पहल है ये बहुत ही काबिले तारीफ है और इसका खैर मकदम है। ये जो अकबर इलाहाबादी ने कहा कि है तोप मुकाबले तो अखबार निकालो, तो ये तोप क्या है ये हमको पहचानना पड़ेगा कि किस तोप के खिलाफ हम ये अखबार निकालें या टीवी चैनल चलाएं या मीडिया एक मीडिया आउटलेट चलाएं। ये तोप पिछले 3000 साल से हमारे बीच है और ये तमाम सारे शेप अपनी बदलती रहती है और इस तोप का नाम है मनुवाद, जो संविधान के खिलाफ है। ये सामाजिक वर्चस्व की ताकतें हैं और इनको इनसे मुकाबला करने के लिए इनको संविधान की रक्षा करने के लिए लोगों से आपको पहले तो इनके पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से, क्योंकि ये एक अमीबा की तरह बिल्कुल शेप साइज अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। इन्होंने मुगल से भी समझौते कर लिए, इन्होंने अंग्रेज से भी समझौते किए और इस संवैधानिक लोकतंत्र के बीच में भी ये जीना और पनपना चाहते हैं, जानते हैं। और अब इनका जो सबसे लेटेस्ट सबसे नया जो औजार है वो तीन चार उन्होंने मिला के एक औजार बनाया है। इसमें राष्ट्रवाद भी है, इसमें पोस्ट ट्रूथ भी है, यानी फरेब झूठ के आधार पर की जाने वाली राजनीति। और ये पोस्ट ट्रूथ केवल भारत में ही नहीं है और साथ साथ उन्होंने पूंजीवाद से भी गठबंधन किया है। तो जो गठबंधन ये मुगल से करते रहे, जो गठबंधन ये अंग्रेज से करते रहे, इस संवैधानिक लोकतंत्र में समता मूलक समाज को न बनने देने के लिए इन्होंने पूंजीवाद से गठबंधन किया है। और इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम अपने मीडिया को एक कारगर हथियार के रूप में संविधान को बचाने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। अमेरिका और इंग्लैंड में भी और दूसरे मुल्कों में भी पोस्ट ट्रूथ यानी झूठ पर आधारित राजनीति, यानी भावनाओं को भड़का कर और उसको वोटों में तब्दील करके सत्ता पे कब्जा करने की राजनीति, जिसमें कि असल मुद्दे जनता के अधिकार, आर्थिक बराबरी, तमाम सारे मुद्दे पीछे चले जाए, ये वो झूठ की राजनीति है जो अमेरिका में भी आई, जो इंग्लैंड में भी आई, जो यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी आई, वो भारत में भी आई। लेकिन उनकी झूठ की राजनीति में या पोस्ट ट्रूथ में और हमारी पोस्ट ट्रूथ की राजनीति में थोड़ी सी अंतर है, और उस अंतर को आप समझिए तो तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। जो आज आप इसमें शरीक हुए हैं VOM चैनल की शुरुआत में, अमेरिका में पोस्ट ट्रूथ लीडरशिप यानी ट्रंप से वहां का मीडिया लड़ रहा है, वहां के मीडिया ने उसको लेजिटिमाइज नहीं किया है, उसको वहां के मीडिया ने उसको मान्यता नहीं दी है। इंग्लैंड में अगर थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और वो ब्रेक्जिट जो है वो पोस्ट ट्रूथ के सहारे कर लेती हैं, लेकिन उनका मीडिया और उनके इंस्टीट्यूशंस ने उनको सब उसका साथ नहीं दिया, उनका वो लड़ रहे हैं पोस्ट ट्रूथ से। हमारा मीडिया और हमारे इंस्टीट्यूशन भी पोस्ट ट्रूथ यानी झूठ के साथ हो गए हैं, इसलिए इस मुहिम का, इसलिए इस इंटरवेंशन की ज्यादा जरूरत है और इसको इसके स्ट्रक्चर को समझने की ज्यादा जरूरत है, इसकी शब्दावली को समझने की बहुत जरूरत है। और हम उस अपनी शब्दावली भी अपनी डेवलप करें। जैसे एक शब्द, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक शब्द इस्तेमाल होता है बहुसंख्यवाद, बहुसंख्यवाद वर्सेस माइनॉरिटीवाद। बहुसंख्यवाद कुछ है ही नहीं, ये कभी भी बहुजनवाद इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बटा हुआ समाज है और आप कुएं अलग है, मंदिर अलग है, सब अलग है, बहुसंख्यवाद कहां से आ गया? ये तो एक वर्चस्ववाद है जिसको उन्होंने बहुसंख्यवाद का नाम, और इसको सेकुलर लोग भी इस्तेमाल करते हैं बहुसंख्यवाद को। इसको कृपया करके हम लोग बहुजनवाद का नाम दे, बहुजनवाद को चलाएं। बहुजन में संख्या नहीं है, जन है। अभी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अनिल चमड़िया, उन्होंने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है
बहुसंख्यवाद बनाम बहुजनवाद, दूसरा कि तमाम सारे पहलुओं पर हमको मीडिया की जिम्मेदारी है जो आप लोग लेकर आ रहे हैं उसके लिए कि हम ऑल्टरनेटिव थॉट यानी जो वैकल्पिक राय है समाज के अंदर उसको भी पैदा करें, उसकी भी डिबेट चलाएं, क्योंकि उसी के रास्ते गुलामी का जो पूरा सिलसिला है वो चलाने में वो कामयाब होते हैं। जैसे नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस देश में ऑल्टरनेटिव डिबेट की बहुत सख्त जरूरत है और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा, इस तरीके के मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। कुछ ऑल्टरनेटिव मीडिया आए डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकिन उन्होंने इस डिबेट को नहीं चलाया। अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में ये डिबेट चलती है। अमेरिका का ड्रोन अगर अफगानिस्तान में या सीरिया में या इराक में तमाम मुसलमानों को मारता है, निर्दोष लोगों को मारता है, तो अमेरिका के ही अंदर वहाँ का मीडिया और वहाँ के बुद्धिजीवी एक ड्रोन के